देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्ला सालेह के घर से 6.5 मिलियन डॉलर बरामद हुए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरुल्ला सालेह के घर से 18 सोने की ईंटें भी बरामद की गई हैं। अफगान नायमुल्ला अहमदुल्ला मुत्तकी ने अमरुल्ला सालेह के घर से रकम बरामद की तस्दीक की है। ख्याल रहे कि अमरुल्ला सालेह ने एक हफ्ता कबल ही बयान जारी किया था कि वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और फरार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो वादी पंजशीर में हैं। अफगानिस्तान के मफरूर सदर अशरफ गनी के दौर में अब्दुल्ला सालेह नायब सदर के अहदे पर फाइज थे। उन्होंने अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने के बाद खुद को सदर करार दिया था। अशरफ गनी के दौर में अब्दुल्ला सालेह को वजीर दाखिला बनाया गया था। सालेह जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस के सरबरा रह चुके हैं, उन्होंने लोगों से वादी पंजशीर की मजामत में शरीक होने का कहा था। अब्दुल्ला सालेह का कहना था कि वो कभी तालिबान के साथ एक छत के तले नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं। अफगान मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान के नायब सदर अब्दुल्ला सालेह फरार हो गए हैं, जबकि अहमद मसूद भी मंदिर से गायब हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि अब्दुल्ला सालेह के भाई रूहुल्ला अजीजी को कत्ल कर दिया गया है। रिपोर्ट यावर शाह, देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।